हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रैक्टलिस। और आज हम लोग जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिक क्वांट का टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने ये सीखा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो कैसे निकालते हैं, और आज इस सेशन में हम ये देखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, हमारे पास आप लोगों को सबसे पहले 1 to 10 तक के स्क्वायर जो है वो याद होना चाहिए। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, तो आपको बाय हार्ट 30 तक जो स्क्वायर है वो आप लोगों को याद रखना है। स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये आप हमारे पिछली वीडियो में देख सकते हैं, और आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। पहले तो 15 या 30 तक अगर आप कर सकते हैं तो 30 तक स्क्वायर याद रखिए। अगर नहीं याद कर सकते तो मैंने आपको निकालने का तरीका बताया है कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको 10 तक के स्क्वायर जो है ये तो याद होने ही चाहिए अगर आपने कभी भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हम लोगों को ये निकालना है कि 1024 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर है। जब आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे कि पीछे से जोड़ी बनाएंगे, यानी कि पीछे से आप दो नंबर जो है उसकी जोड़ी बनाएंगे। जो आगे नंबर बच गया उसको छोड़ देंगे, चाहे वो 1 हो चाहे 3 हो चाहे 2 हो, उनको छोड़ देंगे। फिर आप ये चेक करेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर करने में लास्ट में 4 आ रहा है। तो देखिए, जब आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। जब आप 8 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि हमारे पास 1 2 आ गया और 1 8 आ गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर किया तो हमारे पास लास्ट में 4 आया, यानी कि 4। 8 का स्क्वायर किया तो लास्ट में 4 आया, यानी कि 8। पहले दोनों नंबरों को लिख लिया। अब आपके पास जो नंबर बचा है वो बचा है 10। अब आपको 10 को लाई करवाना है। अगर देखिए आप बात करें तो 10 जो है वो 3 और 4 के स्क्वायर में लाई करेगा, 3 और 4 के स्क्वायर में लाई करेगा। तो आप यहां पे लिख लेंगे 3 and 4। बड़े नंबर को आप हमेशा भूल जाएंगे, जो भी बड़ा नंबर होगा उसको आप हमेशा भूल जाएंगे। यहां से आपने 3 उठाया, यहां से आपने 2 उठाया, या तो ये 32 का स्क्वायर है, फिर यहां से 3 उठाया और यहां से 8 उठाया, या तो ये 38 का स्क्वायर है, या ये 32 का स्क्वायर है, या ये 38 का स्क्वायर है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये 32 का स्क्वायर है या 38 का स्क्वायर है? तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे हमारे पास कितना आया, 12। अब इस 12 को इस 10 से कंपेयर करेंगे। जो 10 है वो 12 से क्या है, छोटा है। अगर छोटा है तो क्या लेंगे, आप छोटा नंबर लेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर है 32 का स्क्वायर है, तो 1024 इसका स्क्वायर हुआ ये 32 का स्क्वायर। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 196 का आपको अंडर रूट करना है, या ये देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर जो है वो 196। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बोला कि लास्ट से आप लोगों ने दो नंबर जो है वो उठाने, दो नंबर उठाने के बाद आपने लास्ट नंबर चेक करना है। लास्ट नंबर क्या है हमारे पास, 6। तो हमें ये चेक करना है कि किस नंबर का स्क्वायर करने में मेरे पास लास्ट में 6 आ रहा है। तो 4 का स्क्वायर करूंगा तो 6 आ रहा है, तो यहां मैंने 4 लिख लिया। अगर 6 का स्क्वायर कर रहा हूं तो भी मेरे पास लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब यहां पे नंबर 1 आया, तो देखिए 1 किस कहां पे आ रहा है, 1 और 2 में आ रहा है। तो आप यहां पे लिख लेंगे 1 और 2। बड़े नंबर को हमेशा भूल जाएंगे। यहां से आपने उठाया 1 और 4, और यहां से उठाया 1 और 6। 1 और 4 14, 1 और 6 16। अब आपको ये चेक करना है कि ये 14 का है 16 का है। तो देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 आएगा। अब 1 जो है वो 2 से छोटा है ना, तो हमेशा क्या, छोटा नंबर। अगर ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा हो तो बड़ा नंबर लेते हैं, अगर ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा हो तो आप छोटा नंबर लेंगे। तो सेकेंड जो आ गया वो हमारे पास किसका स्क्वायर आ गया, 14 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट देखिए 2304। अब हमें ये कैलकुलेट करना है 2304 जो है ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो लास्ट से मैंने आपको क्या कहा कि दो नंबर की जोड़ी बना लीजिए। अब आप ये चेक करिए कि 4 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, 1 2 और 1 8। तो यहां आपने लिख लिया 2 और यहां लिख लिया 4। अब हमारे पास बच गया 23। अब आप किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 23 लाई करेगा। देखिए 23 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, देखिए 4 और 5 में लाई करेगा 23।
तो यहां मैंने लिख लिया 4 और यहां लिख लिया 5। मैंने कहा बड़े नंबर को हमेशा भूल जाइए, यहां से उठाया 4, यहां से उठाया 2, या तो ये 42 का स्क्वायर है या ये 48 का स्क्वायर है, या तो ये 42 का स्क्वायर है या ये 48 का स्क्वायर है। पता कैसे लगेगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, ये कितना है 23, यानी कि बड़ा है, तो क्या आएगा बड़ा नंबर, यानी कि ये किसका स्क्वायर है, ये आपके पास 48 का स्क्वायर है। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 4489, 4489, ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो लास्ट से मैंने आपको बोला क्या करना है, जोड़ी बनानी है, लास्ट में मेरे पास क्या है 9 है, आपको चेक क्या करना है, आपको 9 चेक करना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 7 का जब आप करते हैं तो लास्ट में 9 आता है, तो आपने लिख लिया एक 3 लिख लिया आपने और एक आपने 7 लिख लिया, क्योंकि 3 का 9 और 7 का 49। अब आपके पास आगे आया 44, देखिए 44 जो है वो कहां लाई करेगा, वो यहां लाई करेगा, 36 और 49 में 44 लाई करेगा, तो 6 और 7, बड़े नंबर को हमेशा भूल जाना है, तो 63 और 67, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 42, ये कितना है 44, 44 42 से बड़ा है, तो बड़ा नंबर, यानी कि राइट आंसर इस कितना 67, इसका स्क्वायर है ये 67 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6889, तो हम ये देखते हैं कि 6889 किसका स्क्वायर है, 6889 ये किसका स्क्वायर, तो लास्ट से 2 नंबर आपने उठाए, लास्ट से आपने 2 नंबर उठाए, तो हमें फिर से लास्ट में क्या चेक करना है, 9 चेक करना है, तो 9 किस में आएगा, एक 3 और एक 7, आगे मेरे पास आ गया 64, 64 8 और 9 में लाई करेगा, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, तो 68 जो है वो इन दोनों के बीच लाई करो, बड़े को तो फिर से भूल जाना है, या तो ये 83 का स्क्वायर है या ये 87 का स्क्वायर है, तो हमें कैसे पता लगेगा 83 का है या 87 का है, तो क्या है इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 8 को 9 से, सॉरी 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज कितना 72, अब ये छोटा है तो दैट इज कितना छोटा नंबर 83। अब हम एक थोड़ी बड़ी डिजिट जो है वो उठा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं 42436। अब आपको ये चेक करना है कि 42436 किसका स्क्वायर है, तो लास्ट से आपको 2 डिजिट उठाने हैं, लास्ट में आपको 6 उठाना है, 6 किसका, 4 और 6 में, अब आपके पास आगे बच गया 424, देखिए 424 कहां लाई करेगा, देखिए 424 कहां लाई करेगा, अब यहां 20 है, 20 पे तो ये खत्म हो गया, ठीक है, अब 424 है, देखिए अगर आप 21 का स्क्वायर करते हैं तो वो होता है 441, और जो 20 का स्क्वायर है दैट इज कितना 400, अब देखिए ये जो 424 है वो इन दोनों के बीच लाई करेगा, यानी कि 20 और 21 में लाई करेगा, 21 को हम भूल जाएंगे, यहां से उठाया 20, यहां से उठाया 4, या तो ये 204 का स्क्वायर है या ये 206 का स्क्वायर है, हमें कैसे पता लगेगा, हमें 20 और 21 को मल्टीप्लाई करना है, 0 21 जा 2 दैट इज कितना 420 से ये बड़ा है, यानी कि बड़ा नंबर कितना 206, राइट। तो कभी भी अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने हो तो आप इस तरह से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स टू द पार्ट ऑफ एक्टिविस्ट, जय हिंद जय भारत।